नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। कल यानी मंगलवार 10 नवंबर को आईपीएल सीजन 13 का फिनाले यानी कि फाइनल मुकाबला खेला जाना है मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। यह मुकाबला बहुत हाई वोल्टेज होने वाला है। भले ही वन साइडेड हरा दिया हो क्वालिफायर वन में, लेकिन क्वालिफायर टू जीतकर दिल्ली वालों ने बोल दिया है कि भैया मुंबई के शाणों बच के रहना, एटीट्यूड हमारे में भी कम नहीं है। अब दिल्ली और मुंबई की लड़ाई में कल कौन जीतेगा ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन एक प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर हम बात करते हैं। और आपकी राय में क्या प्लेइंग 11 दोनों टीमों की होनी चाहिए हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी राय हम कल के प्रोग्राम में जरूर रखेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि कल जो लोगों ने हमें जो टीम भेजी है दिल्ली और मुंबई की, लगभग बहुत सही टीम भेजी है। यहां पर मुकेश जायसवाल जी ने टीम भेजी है, अपर्णा गुप्ता जी ने टीम भेजी है और कई लोगों ने जो है वो टीम भेजी है। और एएनपी न्यूज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपनी जनता की बात सुनने के लिए जाना जाता है, अपने सब्सक्राइबर्स अपने व्यूअर्स की बात सुनने के लिए जाना जाता है। तो सबसे पहले तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो बेल है नोटिफिकेशन के लिए उसे जरूर दबा दीजिए ताकि आप तक सारी नोटिफिकेशन पहुंच पाए। इस बीच अगर कल के मुकाबले की बात की जाए तो कल के मुकाबले में दिल्ली की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए इस पर बात करते हैं। अगर देखा जाए तो हैदराबाद के खिलाफ मुकाबला उनका कुछ खराब नहीं गया, मुकाबला तो मुंबई का भी खराब नहीं गया दिल्ली के खिलाफ पहला, तो लगता नहीं कि दोनों टीमें चेंजेस करेंगी। कल ऐसा लगता है कि मार्कस स्टोइनिस और शिखर धवन ओपन करेंगे। नंबर तीन की बात की जाए तो नंबर तीन शायद श्रेयस अय्यर खेले, नंबर चार अजिंक्य रहाणे खेलेंगे, नंबर पांच सिमरन हेटमायर खेलेंगे और नंबर छह की अगर बात की जाए तो ऋषभ पंत खेलते नजर आएंगे, नंबर सात पर अक्षर पटेल, नंबर आठ पर यहां पर खेलते हुए नजर आएंगे रविचंद्रन अश्विन, नंबर नौ की बात की जाए तो तुषार देशपांडे को मैं रखूंगा यहां पर, थोड़ा सा एक चेंज टीम में दिख रहा है दुबे साहब की जगह। उसके बाद नंबर 10 की बात की जाए तो कगिजो रबाडा और नंबर 11 पर ऑनरी नौरखिया खेलते हुए नजर आ सकते हैं। वही मुंबई इंडियंस की अगर बात की जाए तो मुंबई के शाणों की टीम में लगता तो नहीं है कोई बदलाव होगा। क्विंटन डिकॉक रोहित शर्मा ओपन करेंगे, नंबर तीन सूर्य कुमार यादव, नंबर चार कारन पोलार्ड, नंबर पांच हार्दिक पांड्या, नंबर छह कृणाल पांड्या और हो सकता है कि ये थोड़ा बैटिंग ऑर्डर शफल कर जाए, ईशान किशन को और ऊपर भेजा जाए तो यहाँ पर ईशान किशन की भी जगह बनती है। उसके बाद नंबर सात पर नंबर आठ की बात की जाए तो कुल्टर नाइल, नंबर नौ की बात की जाए तो ट्रेंट बोल्ट, नंबर दस जसप्रीत बुमराह और नंबर 11 की बात की जाए तो नंबर 11 पर यहां पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं राहुल चाहर। तो अब दोनों ही टीमों की लगभग ये प्लेइंग 11 साफ नजर आ रही है। अब देखना होगा कि किस तरीके से दोनों टीमें जबरदस्त प्रदर्शन करके फाइनल का खिताब जीतती हैं। दोनों में से कोई एक जीतेगा, एक ही चैंपियन बनने वाला है, तो देखना होगा। भैया कल के लिए बने रहिएगा हमारे साथ और हाँ, हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।